नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेज एम्पावरमेंट। त्योहारों का मौसम आ गया है और हम फीमेल्स को क्या चाहिए? तैयार होना। हमें उसमें बहुत मजा आता है और जब हम त्योहारों के लिए स्पेशली तैयार हो रहे होते हैं तो रेड लिपस्टिक हमारी बहुत फेवरेट होती है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है रेड लिपस्टिक लगाना, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। आई थिंक आप लोगों को भी होगा ही। और कभी भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हम फीमेल्स स्पेशल तैयार होती हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ी हमारी लिपस्टिक भी अच्छी हो, अलग हो। तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ जिससे कि ज़्यादा देर तक जो है वो लिपस्टिक हमारे लिप्स पर लगी रहेगी और निकलेगी नहीं जल्दी। तो लेट्स गो अहेड एंड वॉच परफेक्ट रेड लिप्स। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए। मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन बेस लगा लिया है और मैं आई मेकअप, ब्लश ऑन, बाकी कुछ भी इस वीडियो में टच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रेड लिप्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। आउटलाइन करने के बाद मैं पूरे लिप्स के ऊपर ये लिपस्टिक पेंसिल लगाऊंगी। लिपस्टिक हमेशा ब्रश से ही लगाइए। आई हाईली रिकमेंड दिस। फर्स्ट लेयर लिपस्टिक लगाने के बाद हम इसे टिश्यू से डैप करेंगे। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। दिस इज द सेकेंड लेयर, अगेन वी आर गोइंग टू डैप विद द टिश्यू। नाउ दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल लेयर। सो दिस इज द फाइनल थर्ड लेयर। इसके बाद अब हम इसे टिश्यू से डैब नहीं करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि मैंने हर बार लिपस्टिक लगाई और हर बार टिश्यू से डैब की और नीचे उसके लिपस्टिक पेंसिल भी लगाई, इससे क्या होगा कि ज़्यादा समय तक, काफ़ी ज़्यादा समय तक लिपस्टिक जो है हमारे लिप्स पर टिकी रहेगी। अगर हम कुछ भी चाय कॉफ़ी पीते हैं या पानी पीते हैं तो ग्लास पर उसके निशान तो आएंगे लेकिन आपकी लिप्स से ज़्यादा हटेगी नहीं। बहुत ख़राब लगता है अगर आधी लिपस्टिक निकल जाती है तो, और रेड लिपस्टिक काफ़ी डार्क होती है इसलिए थोड़ी भी निकलती है तो बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। सो दैट इज़ हाउ यू विल गेट द परफेक्ट रेड लिप्स। लेकिन हाँ, इसके साथ आई मेकअप करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।